हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बार मॉडिफाई ब्लॉक्स में। मैं हूं अमित। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं अलॉय व्हील्स को क्लीन। तो ये है मेरी जुपिटर है, इसके ऊपर अलॉय व्हील्स हमने लास्ट टाइम छोड़ दिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा जहां पे हमने वाटरलेस कार स्प्रे से अपनी पूरी जुपिटर को क्लीन किया था, सो वो आपको लिंक्स ऊपर इस साइड यहाँ आपको ऊपर मिल जाएगा। एंड बात करें आज के वीडियो में, तो आज हम करने वाले हैं अलॉय व्हील्स को क्लीन। सो यहाँ पे है हमारे पास अलॉय व्हील क्लीनर बाय विस्ता ऑटो केयर। सो इसको यूज़ करेंगे एंड इससे अलॉय व्हील क्लीन करेंगे। सो लेट्स सी हाउ डज इट वर्क्स, किस तरह से आपको यहाँ परफॉर्मेंस मिलती है। एंड बाकी सारी डिटेलिंग इस प्रोडक्ट के बारे में आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक बार देख सकते हैं आप कंडीशन यहाँ पे टायर की, अभी फिलहाल क्या कंडीशन में है। सो देख सकते हो काफ़ी सारी डर्ट एंड मड यहाँ पे कलेक्ट हो चुकी है। सो दोनों साइड आप देख सकते हो, इस साइड भी वैसे ही है, यहाँ पे दूसरी साइड और भी ज़्यादा थोड़ा गंदा दिखेगा क्योंकि यहाँ पे डर्ट कलेक्ट हो जाती है। सो यहाँ ग्रूव्स में डर्ट आ जाती है, इसकी वजह से इस साइड थोड़ा और ज़्यादा गंदा है। सेम तरीके से आप पीछे की साइड पे देखोगे तो सेम यहाँ पे भी वैसे ही कंडीशन है। देख सकते हो अलॉय व्हील कितने गंदे हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे कितने सारे डर्ट इकट्ठा हो रखी है, धूल मिट्टी जमा हो रखी है। तो प्रॉपरली इसको क्लीन करने वाले हैं हम अलॉय व्हील क्लीनर से। सो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दो माइक्रोफाइबर क्लॉथ मेरे पास हैं, एक से मैं पहले डस्ट पूरा जो भी है उसको निकालूंगा, इसके बाद फिर हम इसे पॉलिश करेंगे अलॉय व्हील क्लीनर के थ्रू। अभी इसको हम पहले डस्ट पूरा निकाल देते हैं क्योंकि काफ़ी सारे डस्ट देख सकते हो आप ऑलरेडी इसके ऊपर जमा है। तो पहले हमको पूरा क्लीन करना है ताकि कोई भी डस्ट यहाँ पर ना रहे। तो देख सकते हो काफ़ी हद तक क्लीन हो चुका है, बट इसकी जो शाइन आती है, जिस तरह से यहाँ पे ग्लॉसी शाइन दिख रही है, उस तरह से शाइन के लिए आपको इसको क्लीन करना पड़ेगा अलॉय व्हील क्लीनर। इसको हम यूज़ करने वाले हैं अपने व्हील्स पे। तो सिंपली इसको स्प्रे करना है। पहले तो यहाँ पे सेट कर देंगे नोजल, अभी हम कर देते हैं इसको स्प्रे पे। तो ये हमने स्प्रे पे सेट कर दिया, अब इसको स्प्रे करेंगे थोड़े दूर से। तो ये स्प्रे हो चुका है, थोड़ी देर तक इसको 2 मिनट तक रहने देंगे ऐसी, इसके बाद इसको प्रॉपरली क्लीन करेंगे माइक्रोफाइबर क्लॉथ से। स्प्रे करते ही इसका एक्शन होने लगता है और देख सकते हो किस तरह से अभी शाइन आ रही है। एंड इसको हम क्लीन करेंगे तो देखना किस तरह से आपको इसका रिजल्ट्स मिलते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। देख सकते हो ये मैंने एक हाथ से क्लीन किया और जो रिज़ल्ट है बिल्कुल मतलब ऐसे रिज़ल्ट आपको पॉलिशिंग करने से भी नहीं होते। आप कितना भी वॉश कर लो आपको ये रिज़ल्ट नहीं मिलेगा गाइस। एंड पूरी जो डर्ट थी वो इस पे माइक्रोफाइबर क्लॉथ पे आ चुकी है। तो अगर आप इसको नॉर्मली पानी या डिटर्जेंट से क्लीन करते तो शायद इतनी अच्छी से क्लीनिंग नहीं हो पाती। एंड यहाँ पर सिर्फ मैंने आपके सामने स्प्रे किया है, कितना कम क्वान्टिटी में यूज़ होता है एंड इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो इस साइड भी क्लीन करना है तो यहाँ पे भी मैं क्लीनिंग कर लेता हूँ और इसके बाद आपको दिखाता हूँ पूरा एक बार कि किस तरह से इसकी फिनिश आती है। सो दोस्तों देख सकते हो रिजल्ट आपके बिल्कुल सामने है, किस तरह से इसने क्लीन किया इतने जल्दी अलॉय व्हील्स को। और यहाँ पे बेस्ट चीज़ है कि हमने पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, तो अलॉय व्हील्स के ऊपर रस्टिंग या ऐसा करोजन का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। एंड अभी चलते हैं पीछे वाले व्हील की तरफ एंड उस पर भी अप्लाई करके दिखाता हूँ मैं किस तरह से काम करेगा। एंड इसके बाद मैं इसके बारे में बताऊँगा, इसकी सारी डिटेल कहाँ से ले सकते हो, क्या प्राइस है एंड सारे फीचर्स इसके बारे में बताऊँगा। तो चलिए पीछे वाले व्हील्स की तरफ चलते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों हम आ गए हैं पीछे वाले व्हील की तरफ एंड अभी इसको प्रॉपरली वैसे ही क्लीन करना है। तो ये है हमारा पुराना वाला माइक्रोफाइबर क्लॉथ, अब इसकी वजह से पहले पूरी डर्ट यहाँ से निकाल देंगे। तो ये प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप डायरेक्टली करेंगे तो अलॉय व्हील क्लीनर जब ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद क्योंकि ये मिट्टी है वो दोबारा सरफेस पे स्टिक हो जाएगी एंड फिर से वो आपको दिखने लगेगा। तो इसलिए बेस्ट चीज़ रहेगा कि आप इस पार्ट को अच्छे से करो। तो इसको निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इसको मिस कर दोगे तो ये मिट्टी चिपकी रहेगी एंड इसके बाद स्प्रे करने के बाद क्लीनिंग तो हो जाएगी बट वो दोबारा से स्टिक रहेगा तो आपको ये मिट्टी का ऊपर मार्क्स दिखेंगे। इसलिए मैंने कहा माइक्रोफाइबर क्लॉथ से, आप पुराना माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लो, कोई भी नॉर्मल कपड़ा ले लो, या अगर नहीं है आपके पास माइक्रोफाइबर क्लॉथ एक्स्ट्रा तो कोई नॉर्मल क्लॉथ ले लो
बस ये है कि रफ़ नहीं होना चाहिए और सरफेस पे स्क्रैच ना करे, ऐसा कुछ लेना है आपको। इन सेम चीज़ आपको अगर आप कार की बात करें तो कार पे भी सेम ऐसी क्लीनिंग होनी है चारों व्हील्स पे। वहाँ पे आप पानी का थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हो बिकॉज पीछे की साइड आपका हाथ नहीं जाता ईजिली, बट स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल में तो आप दोनों साइड एक्सेस होता है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पानी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो देख सकते हो कितनी प्रॉपरली तरह से ये क्लीन हो चुका है एंड जो भी डर्ट वगैरह थी सब जा चुकी है और शाइनिंग आ चुकी है इसमें, जैसे ब्रांड न्यू अलॉय व्हील्स होते हैं बिल्कुल उसकी तरह आप ये शाइन कर रहा है, तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। एंड इसी की वजह से सारा लुक आता है, मतलब आप देखो कितना भी क्लीन कर लो अपर बॉडी, बट जब तक आपके व्हील्स और अलॉय व्हील्स क्लीन नहीं होते तो आपको एक लुक नहीं मिलती। सो गाइस देख सकते हो ये है अलॉय व्हील क्लीनर, यहाँ पे लिखा है इंस्टेंट पेनिट्रेशन क्विकली रिमूव्स ब्रेक डस्ट एंड डर्ट एंड इफेक्टिव क्लीनिंग। सो 450 ml की बॉटल में आता है, यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है 300 rupees। सो आपको ये अमेजोन फ्लिपकार्ट और साथ ही साथ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि विस्टा ऑटो केयर की वेबसाइट है वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फीचर्स डायरेक्शन कॉशन दिए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके जो व्हील्स है वो हॉट ना रहें, उस कंडीशन में आपको इसको अप्लाई नहीं करना है। एंड ऑल्सो चेक करना है कि कोई क्रैक्स वगैरह ना हो, कोई डैमेज ना हो आपके अलॉयज में, उस केस में भी आपको इस प्रोडक्ट को अवॉइड करना है। एंड बस यही है, आप कार मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स पे अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे भी आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं आप उन पे स्प्रे कर सकते हो। तो ये दिखाया हुआ है यहाँ पे कार का एक फ्रंट व्हील, तो उसी तरह से आप अपने स्कूटर एंड मोटरसाइकिल पे भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे जुपिटर पे अप्लाई किया एंड परफॉर्मेंस आपके सामने है गाइस, देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से ये क्लीन हो चुका है, फ्रंट एंड रेयर व्हील दोनों प्रॉपरली इसकी मदद से क्लीन हो चुके हैं। सो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आती है, बहुत ही ईजी यूज़ करना है, सिंपली स्प्रे एंड वाइप वाला है जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो में किया था। सो इफ़ यू आर पर्सन हु इज़ पैशनेट अबाउट योर मोटर व्हीकल्स, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर यू गाइज, यू कैन यूज़ इट वेन एवर यू वॉन्ट, सिंपली स्प्रे एंड वाइप वाला है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, माइक्रोफाइबर क्लॉथ से करना है एंड बहुत ईजी है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया, अगर आया तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एंड See you guys in the next one. Till then, keep watching Modify Vlogs and bye bye. With the